रोज फोटो खींचती है और रोज इसका लठाजरी बनवाती है। गाली भी दे रहा है, गाली भी दे रहा है, ये गाली भी दे रहा है। देखिए गाली दे रहा है, छोड़ी देखिए। मैडम आज जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपके विद्यालय में दो शिक्षक आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, क्या मतलब है इसका? सर ऐसा है कि जब हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक जब रिटायर हुए 30 जनवरी को, उस समय हम उनके बाद सीनियर थे तो ये हमें प्रभार नहीं मिला और जूनियर टीचर एक कनीय शिक्षक को प्रभार मिला, वो मोहन सिंह को मिला। कुछ दिन बाद मैंने इसका विरोध किया, लेटर दिए, बीपीओ को भी दिए, बीओ को भी दिए, तो कुछ दिन के बाद यानी 3 मार्च को हमें प्रभार दिया गया, वो भी एक नोटिस बुक पर दिया गया, शैक्षणिक प्रभार, केवल शैक्षणिक प्रभार हमें मिला और कुछ नहीं मिला। उसके बाद से उस दिन से मोहन सिंह हमको उस कुर्सी पर बैठ के देखना नहीं चाहते हैं, असामाजिक तत्वों को बुला के फ़ोन करके बुलाते हैं और कंटिन्यू हमको बेइज्जत करते हैं, मतलब गाली दिलवाते हैं। जो टीचर मेरे साथ कार्य करते हैं उनको भी वो मतलब जान से मारने की धमकी दिलवाते हैं फोन पर। आज जो घटना हुआ मारपीट का, इस संबंध में बताइए। ये संबंध में जैसे हमारे सजाद सर विद्यालय में इनकी है, वैसे ही ये क्या कि ये क्लास तो कर नहीं रहे थे, राजनीति कर रहे थे 3-4 आदमी मिलके, हमने बोला क्लास में जाने के लिए, क्लास में नहीं गए और दौड़ के जाके उनके गाड़ी के पास उनको कॉलर पकड़ लिए और मारने लगे, गाली भी देने लगे, अब भद्दा भद्दा गाली दिए, जैसे उनकी माँ को गाली दिए। तो ये सब आपके विद्यालय में हमेशा युद्ध चल रहा है, लगता है कि वहाँ शिक्षा का माहौल ही नहीं है, क्या इसके संबंध में आप कभी शिक्षा पदाधिकारी को नहीं सर कई बार आज भी दिए हमने सूचना पर इसका कोई अमल नहीं हुआ। वो हमको बोले कि तुम दोनों तरफा समझा दो और हमने इधर की समझा दो, ये तुम्हारे लिए घातक होगा, नहीं समझाओगी तो तुम पर कार्रवाई। तो बराबर आपके पास बराबर हमला होते रहता है, बराबर कुछ ना कुछ लोग आकर के कंप्लेन करते रहते हैं, आप अभी रहते हैं, क्या ये सारा मैंने किस राजनीति के तहत ये सब होता है? सर वहाँ राजनीति चल रहा है, वहाँ एक बैक कास्ट के ये लोग कुर्सी पर देखना नहीं चाहता है, जैसे कि एक हम बैक कास्ट से बिलोंग करते हैं, ऊपर विकलांग महिला हैं, तो ये लोग नहीं चाहता है कि मैं वहाँ पर भार पे रहूँ, इसी के कारण सारा राजनीति को वहाँ रचा जा रहा है। और किसके द्वारा ज्यादा हमारे अधिकारी भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आज तक हमें कोई वित्तीय प्रभार नहीं मिला, फिर भी हम MDM बना रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं, 1 रुपया हमको नहीं मिला है सर वहाँ पे, यहाँ तक कि भारे पर बर्तन तक हम खरीद के वहाँ चला रहे हैं हर रोज बच्चों को। तो शिक्षा पदाधिकारी कभी गए कि नहीं आपके विद्यालय में? कई बार गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं है, जाते हैं जो टीचर नहीं रहते हैं हाजिरी काट के चले आते हैं और कुछ नहीं। आपका नाम क्या हुआ मैडम? रंजू कुमारी। किस विद्यालय का प्रधानाध्यापिका है? हम ढोलाही नारा पर प्रधानाध्यापिका हूँ अभी 3 तारीख से, 3 मार्च से जी। अभी हम ढोलाही कैथल मध्य विद्यालय नारा पर हैं और ये राजनीति का अखाड़ा तो था ही, पहले मार का अखाड़ा हो गया है और अभी भी सुबह मार हुआ है टीचर और टीचर में, और हमारे सामने मोहन सर हैं, पहला मार हुआ है सर। सर हम क्लास ले रहे थे और क्लास ले रहे थे तो सजाद लेट आया और प्रतिदिन जो है सो लेट आता है। अच्छा। और उसको प्रभारी शिक्षिका क्या करती है कि रोज हाजिरी बनवाती है और हम लोग 2 मिनट भी लेट आते हैं तो वह क्या करते हैं कि हाजिरी काट देती है। कौन? रंजू जो है प्रभारी शिक्षक। अच्छा। इसके बाद हम जा कर के लिख के दिए कि बार बार ही हमारे खिलाफ जो है सो अथी पर वीडियो वायरल करता है कि फलाना टीचर के अथी किए कि ना, हम कहे उसके पहले भी एक किया था लिखा था, फिर अभी 2-3 दिन पहले है कि लिखा था कि प्रकाश सर आपके अथी के चलते भाग गए। हम जा कर के बीओ साहब से कहे, बीओ साहब बोले कि ठीक है फिर लिख के दीजिए, और अनुरंजन हमको बोले कि जब वो लेट आता है तो अभी उसका फोटो खींचिए। हम क्लास से निकल करके सामने से फोटो खींचने लगे तो हमारे साइकिल मोटरसाइकिल आगे तरफ बढ़ाने लगे और बढ़ा करके उतर गया मोटरसाइकिल पर, हम पर जो है सो शाहजाद जी यहाँ के शिक्षक हैं। शाहजाद जी यहाँ के शिक्षक हैं, उर्दू शिक्षक है, एक भी यहाँ उर्दू का विद्यार्थी नहीं है। अच्छा। आता है दिन भर ऑफिस में बैठ करके पैसा वसूलता है, टीसी में पैसा लेता है, एडमिशन में पैसा लेता है और वो जो है सो एक क्लास नहीं करता। जो सुबह झगड़ा हुआ है कहला हुआ है झगड़ा हो गया, हम फोटो ले रहे थे उसका कि तुम लेट आ रहा है, तुम्हारा भी हम वीडियो बना के भेजते हैं। अच्छा। बस इस पर उतर करके हम पर फैट चला दिया और हमारा हाथ काट दिया है। पैसा पे हाथ काटा है? पैसे हाथ काटा आपका? हाथ हमारा जो है सो पकड़ करके और दांत से काट दिया, पूरा हाथ हला दिया, जिसका हम बैंडेज कराए हैं या फिगर है।
बी ओ साहब से बात हुई है? बी डी ओ साहब से? बी ओ साहब को हम नहीं कहें, बी ओ साहब को सुने ग्रामीण लोग फोन किया। अच्छा। यहाँ का जनता तो बोले कि आ रहे हैं, तो हम बैठे हुए विद्यालय पर, उसके बाद थाना पर जाएंगे। ठीक है। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।